प्रखंड मुख्यालय से महज 500 मीटर दूर केनगर चौक भारत पेट्रोलियम से आगे विजय मार्केट में न्यू वर्ल्ड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ अजय नर्सिंग अस्पताल के डायरेक्टर रंजीत रमन एवं मजरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद रागिब ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। रंजीत रमन ने बताया कि केनगर में न्यू वर्ल्ड चाइल्ड केयर अस्पताल खुलने से यहां के लोगों को पूर्णिया जाने से राहत मिलेगी और इसके साथ ही ससमय नवजात शिशु को देखभाल के साथ इलाज भी मिल सकेगा। इस अस्पताल के खुलने से ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर से आने वाले लोगों को पूर्णिया की सारी सुविधाएं यही केनगर में मिल जाएगी। वहीं न्यू बॉर्न चाइल्ड केयर अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद नाबिर आलम एवं मोहम्मद फिरोज ने बताया कि अस्पताल खुलने से जो लोगों को पूर्णिया पहुंचकर इलाज संभव हो रहा था वो अब केनगर में ही उपलब्ध हो जाएगा। नवजात शिशु एवं बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजू कुमार ने बताया कि इस अस्पताल में नवजात शिशु के देखभाल एवं रखरखाव के लिए आधुनिक मशीनों के साथ सुविधाएं 24 घंटे सातों दिन कार्य दक्षता में पारंगत कर्मियों के साथ उपलब्ध रहेगी। इस अस्पताल में दो चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार MSBA डिपार्टमेंट के पेडियाट्रिक उपस्थित रहेंगे। प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु को मिलने वाली सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध है। बच्चों में चमकी, निमोनिया, बर्थ स्पेसिया, सांस लेने में दिक्कत, जॉन्डिस आदि रोगों का इलाज किया जाएगा। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद तबरेज, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रविंद्र कुमार यादव एवं राजा कुमार, मोहम्मद अनवर, परवेज आलम, पप्पू झा, राजेश कुमार के साथ दर्जनों लोग मौजूद रहे। कितना देखते हैं कि जैसे शिशु मृत्यु दर का बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है आज के डेट में, तो क्या इससे कुछ तो लोग लाभ उठाएंगे और दर में घटी? बिल्कुल, ये तो मैं शुभकामना देता हूँ इनको कि बहुत इन्होंने हिम्मत करके खोला है देहाती क्षेत्र में, और मैं और चाहता हूँ कि हर जगह ब्लॉक स्तर पर और प्राइमरी जो सेंटर है हेल्थ सेंटर उस स्तर पर भी ये चीज़ खुलना चाहिए। हमारे शिशु दर, मृत्यु शिशु दर जो है वह काफ़ी घट जाएगा। बच्चे पैदा लेते हैं अंडरवेट या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वार्मिंग की ज़रूरत है, ये सुविधा अगर हर जगह मिल जाएगा तो हमारे शिशु दर, मृत्यु शिशु दर जो है वो काफ़ी घट जाएगा और काफ़ी सुविधा रहेगी। कुछ लोगों का मन में ये भी रहता है कि जो मापदंड है इनका NICU का, क्या वो उनको यहाँ फुलफिल कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो देखे अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं और ये इम्प्रूव चाहेंगे कि और इम्प्रूव करें, ये अभी तो स्टार्ट किए हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि भाई उस तरह के जो बच्चे हैं जिनको रात्रि में रेफर किया जाता है, पहुँच नहीं पाते हैं उस जगह तक, तो यहाँ पहले वो सुविधा लें, स्वास्थ्य सेवा लें, वो हम काफी इम्प्रूव कर जाएंगे, उसके बाद फिर समय मिलेगा तो आगे निकल सकते। हाँ, आगे निकल सकते हैं। मैं डॉक्टर एस के सिन्हा, रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर। प्रयास तो अच्छा है जो हमारे भाई किए हैं इनके साथ, और कई डॉक्टर हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो मिलकर के जो न्यू बॉर्न बेबी है आज होता है, यहाँ से पूर्णिया लगभग 7-8 किलोमीटर हो जाता है। अगर रात्रि में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो बगल में PSC से एक सुविधा यहाँ के क्षेत्रवासी को अच्छा सुविधा मिलेगी, ये अच्छा है। हम लोग भी आज आमंत्रित हैं इनके आज न्यू बॉर्न बेबी सेंटर जो ओपनिंग हो रहा है, तो हम भी आज आए हैं, इनकी शुभकामना देते हैं कि ये अच्छा यहाँ के लोगों को सेवा दे, बेहतर दे और क्षेत्र में अच्छा काम करें। जो लोग घबराते हैं कि पूर्णिया जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा खर्च होता है, अब अपने उसके बगल में खुला है, तो क्या लगता है कि उनको सरल सुविधाओं के साथ यहाँ सभी चीज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चा के लिए जो हम लोग परेशान होकर के यहाँ सब रात्रि में जाना मुश्किल हो जाता है, अब जो संबद्ध परिवार है, गाड़ी है, फोर व्हीलर है, वो तो अपने व्यवस्था से चली जाती है, लेकिन अब बगल में अगर तुरंत उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ये अच्छा एक अभियान है कि ये भाई अपने डॉक्टरों की टीम के साथ इस तरह से काम वर्क शुरू किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को सुविधा मिलेगी। क्या परिचय? मैं रंजीत रमन, अजय हॉस्पिटल परोरा के डायरेक्टर हूँ। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजू कुमार, यहाँ पे न्यूबॉर्न हॉस्पिटल खोला गया है
तो सबसे पहला मकसद है न्यूबॉर्न, जो कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है जिसको हम लोग नवजात शिशु भी कहते हैं, वो बहुत क्रिटिकल होता है। यदि समय पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो, और उसके लिए गोल्डन मिनट एक वर्ड यूज होता है मेडिकल साइंस में, जो 60 सेकंड का होता है। यदि उस समय में यदि उसको ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाती है डॉक्टरी तरीके से जिसको, तो वो सर्वाइव ज़्यादा करता है। तो वो उसको हम लोग SNCU में रखते हैं, मतलब न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न NICU जिसको कहते हैं, उसमें रखते हैं, जिसमें ये रेडिएंट वार्मर जिसको देख रहे हैं, रेडिएंट वार्मर वगैरह जो लगता है, उसके बाद से उसको हम लोग उस पर रख करके ऑक्सीजन लगा करके उस तरह के बच्चे। आज न्यू बेबी बॉर्न केयर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे था भी नहीं बच्चे लोग का इस तरह का सुविधा, अब अगर हो गया है तो इसको बढ़िया से चलाना है, और जहाँ तक हो गरीब लोग का सेवा करना है। जो लोग यहाँ पर आएंगे क्या 24 घंटा इस सुविधा उपलब्ध रहेगी? जी हाँ, ये 24 घंटा के लिए है, 24 घंटा यहाँ उपलब्ध रहेगा। क्या परिचय? मेरा नाम रागी भाषण, मुखिया प्रतिनिधि मजरा। यहाँ पर वार्मर का सुविधा है, जैसे बर्थ स्पेशल बच्चा जो बच्चा जन्म पे नहीं रोया या बच्चा को सांस में लेने में दिक्कत है, उसके लिए बेहतर से बेहतर सुविधा करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक प्रयास रहेगा कि हर बच्चा मेरे हॉस्पिटल से ठीक होकर के जाए। तो किस तरह का बच्चा आपके यहाँ एडमिट हो सकता है, कब एडमिट हो सकता है? जैसे जन्म पे जो बच्चा नहीं रोया और कुछ देर के बाद रोया भी हो तो सांस में तकलीफ हो गया, तो जन्म पे कुछ मिनट का जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है। जैसे 5 मिनट भी देरी से रोया बच्चा तो उसको तकलीफ होता है, उस बच्चे को उसको बेहतर इलाज के लिए वो मेरे पास ला सकते हैं। जो बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, क्या उनके लिए आपके यहाँ किसी चिकित्सक का व्यवस्था है? तो किस तरह का चिकित्सक का व्यवस्था है? जैसे MD पेडियाट्रिक हैं, बच्चे का पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, MBBS हैं, और बेहतर से बेहतर स्टाफ हैं मेरे पास। तो जो मेडिसिन से संबंधित सामान होगा डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, तो क्या वो भी उपलब्ध यहीं होगी या कहीं और से लेना होगा? वो बाहर से भी ला सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो कुछ लोग पूर्णिया जाते हैं और आज के नगर में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे खुला है, तो उसका मन में संशय होगा कि क्या पूर्णिया में जो लागत लगता है उससे अधिक या कम या समतल क्या लागत है उनको? हम तो कोशिश करेंगे कि कम से कम में इलाज करें। पूर्णिया जैसे बहुत सारा खर्च होता है, उस तरह से खर्च गार्जियन पे नहीं दिया जाएगा। जहाँ तक होगा कम से कम में हम लोग इलाज करें। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारा जो प्रसव है वो घर में ही हो जाता है और वहाँ पर वो घर के परिवार के देख रेख में होता है। वो लोग क्या केयर रखे, कैसे समझे कि मेरा बच्चा को न्यूबॉर्न को जरूरत है वर्म का? जैसे बच्चा पैदा हुआ जन्म पे रो दिया तो समझिए कि कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर जन्म पे नहीं रोया और 5-10 मिनट के बाद भी रोया तो सांस में तकलीफ हो जाता है, तो ऊपर देखने से भी पता चल जाता है। और बच्चा नीला पड़ना, दूसरा चीज़ जॉन्डिस के जैसा लगना, पीला लगना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बात है, उसमें दिखाई पड़ती है। तो उसको आप यहाँ ला सकते? बिल्कुल। चिकित्सक से सलाह लेके जो होगा उसका इलाज होगा। क्या परिचय आपका? MD नबीर आलम, डायरेक्टर न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर। कहाँ पर खुला है? के नगर। क्या एड्रेस है इसका? के नगर विजय कॉम्प्लेक्स, पेट्रोल पंप के पश्चिम साइड।